मैंने पहले कहा था यहाँ आके आपका दिल अलग ही चीजें फील करता है। तो फिलहाल हम एक जगह पर हैं, इस जगह के बारे में प्रॉपरली बताएंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। फाइनली गुदीम उमरा मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको भी जल्दी जल्दी बुलाए, बहुत सुकून मिलता है रब्बिल आलमीन। शुक्रिया अल्लाह ताला सुनके बहुत बनाबकार इंसान चुसे थे। तो जब आप यहाँ आते हैं हज के लिए उमरा के लिए, तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करके हैं, दुआ करते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए ज़िंदगी में? सुकून हासिल करना हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मक्का टावर, मक्का टावर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन टेक योर लंच डिनर मक्का टावर। चल जब आप ये अजान सुनते हैं ना, मतलब अल्लाह की कसम, उसके बाद आप और ऐसा माहौल, ये माहौल बनने को नहीं, ये माहौल यहीं पर है। तो फिलहाल जो आपको सामने नज़ारा दिख रहा है, हम यही जाएंगे मक्का टावर की तरफ, हम आपको दिखाएंगे। यस सर, जमीन असमत शुक्रदाय सुनकर अल्लाह का घर है काबा, आपको भी जल्दी दावत हो, खुशी होती है, मसरत होती है, अब कबूलियत अल्लाह तक है, कबूल हो। अल्लाह करे जिन्हें भी आज उम्रा किया और जो आने वाले हाजी साहब हैं, अल्लाह उनकी भी हज और जिन्होंने उम्रा किया आज करने वाले कबूलियत हो उनकी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अल्लाह करे जो हज के बाद एक ज़िंदगी शुरू होती है उम्रा के बाद, अल्लाह करे हम उस पर सक्सेसफुल हों। जनाब अली वाले चॉइस मक्का टावर, मक्का टावर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन टेक योर लंच डिनर मक्का टावर। चल ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट क्लॉक टावर है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर, तो 10 कंट्रीज़ के कंट्रैक्टर्स ने बनाया और हर कोई मुस्लिम अलाउड नहीं था, सभी कंट्रैक्टर जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे सब मुस्लिम्स थे। तो चलिए चलते हैं मक्का टावर की तरफ। चलो भाई अब इसके ऊपर चलते हैं मक्का टावर के ऊपर, बिकॉज यहीं पर हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और लंच डिनर यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी रश आसान दो रात ये यहाँ पर आपको मिलेंगे लोग, किसी भी दुनिया के लोग यहाँ पर होंगे। ये हमारा घर है, हम मुसलमानों का घर यही है, हम इसी के लिए पैदा हुए हैं। तो चलो मैं भी आगे बढ़ रहा था, बेसिकली मैंने सोचा चलो भाई आज इन लोगों ने बोला तो ये देखिए जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो क्लॉक ऊपर दिख रहा है, क्लॉक टावर इसे कहते हैं मक्का टावर। ये बिल्कुल एक कम्बाइंड यूनिटी है, हम इसी के अंदर जा रहे थे कहीं पर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप पूछे मत। तो वी वर प्लानिंग टू ईट लंच, बिकॉज हम लोग होटल हमारा थोड़ा यहाँ से दूर है, हमने सोचा नहीं आज यही लंच करते हैं। और कुछ पीछे आगे पीछे मस्जिद हरम के पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, जो मुझे लगता है इससे बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। बट फिलहाल ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आपके सामने है, मैंने आपको पहला भी कहा कि ये जो मक्का टावर की बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब जो है, पहले मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। पर क्यों, मतलब भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, इत्र हो, खाने पीने की चीज़ें, होटल्स हो, डाइनिंग एरिया इतना बड़ा, इतना मैशिव है। मतलब ये इन्होंने इसलिए रखा है कि कुछ लोग जो हज या उम्रा के लिए आते हैं, कैपेसिटी है, तो आप समझे यहाँ पर एक कैपेसिटी है, इधर 10,000 लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुछ एक प्रेयर रूम भी है इधर, समझ सकते हैं आप। तो लीव दिस असाइड, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। जो लोग हाजी साहब आने उमरा करके आते हैं, वो यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, एक अलग डाइनिंग एरिया, फैमिली वाले लोग आते हैं, स्पेस है। अब आप होटल्स के इर्द गिर्द कैफेटेरियाज में कहाँ जाएंगे, थक जाते हैं, तिमचिपति होता ना चाहिए, यहाँ पर बैठ कर अपना फूड आप ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स हैं, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं फूड के, जो आप क्लोथिंग के, एसेसरीज के, जो भी आपको लगता है आप यहाँ से ख़रीद। तो फिलहाल ये उस लकुट वीडियो मक्का टावर के अंदर एक पोर्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रोबेबली हम भी आगे जा रहे हैं, हमें प्लान था कुछ खाना है, चिकन खमसा, पता नहीं शोरमा है, बिरयानी, क्या इनका प्लान था, इन लोगों ने मुझे बोला नहीं, तो भाई मैंने बोला चलो यार आज मिलते हैं, आज दोस्तों के साथ ही कुछ करते हैं। तो फाइनली वी हैड लंच हियर, कुछ होते इर्द गिर्द का नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त, साफ शफाफ, इतना पॉपुलेशन, तभी ये चीज़ें बनाते हैं, बिकॉज एक वन स्टॉप शॉप, यहाँ सारे आके बैठ के खाते हैं, अपने हिसाब से निकलते हैं, इजी एक्सेस है, आप समझ सकते हैं। तवई शीम टावर्स बना हुआ, ये ज़रूरी है, कुछ लोग कहेंगे ये क्यों बना दिया, बट हाँ, तो भाई ये लोग बिजी हैं, ये लोग ऑर्डर ला रहे हैं, मैं तब तक आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये वीडियोज़ बाकी तक पहुँचाएँ, अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट है, कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। एंड मेरे को बड़ी खुशी है कि चलो भाई आज मैं इनके साथ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, कि जब पहले एक फर्स्ट उम्रा में प्रोबेबली बहुत वक्त लग गया, छन गए भाई, गुम हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जब तवाफ कर रहे हो, तो फाइनली मैं मुझे मिल गए और इन लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी। मैंगो शेक, ये मिक्स मैंगो शेक, क्या रोल्स लाए हैं, अच्छा शॉर्मा रोल्स, क्या रोल्स, हाँ, तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह के फजल करम पर, अल्लाह की मेहरबानी थी कि अच्छा फॉर लंच चिकन खमसा, तो वी आर शेयरिंग चिकन खमसा, चिकन खमसा,
शाबाश। खाना खाना चाहते हैं आ जाइए इसके अंदर, एन नंबर ऑफ ब्रांड्स, आप आराम से अपना खाना वाना यहाँ पर भी खा सकते हैं। बट मुझे लगा, मतलब जो मैंने पाकिस्तानी कैफेटेरियाज में मताम्स में खाना खाया वो मुझे बहुत ही बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू दिस।